माई चैनल और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक कुर्ती को हम कैसे यूज कर सकते हैं एज ए ब्लाउज की जैसे। तो मैंने बहुत तरीके से, जैसे कि आप देखते हो कि जैसे हमारी कुर्ती होती है वो हेवी होती है कई बार, और कई बार ऐसा होता है वो हमें फिटिंग हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी के देने का मन नहीं करता या उसको फेंकने का मन नहीं करता, तो हम चाहते हैं कि वो हम वापस से यूज़ करें या उसको वापस से पहने। तो उसका एक तरीका है कि हम उसको पहन सकते हैं इजी वे में। और आजकल आप देखते होंगे कि ब्लाउज किसी भी साड़ी पे कोई सा ब्लाउज चल जाता है, प्रिंटेड हो चाहे प्लेन हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें उसे। और आजकल तो कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज चलने लगा है, पहले क्या होता था सेम कलर का ब्लाउज सेम कलर की साड़ी होती थी, बट कॉन्ट्रास्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करने जा रही हूँ जैसा कि मैं करती हूँ। फर्स्ट तो पहले जो मैंने ये कुर्ती पहन रखी है, ये अभी हालांकि ये बहुत नई है तो इसलिए अभी इसका तो मैं रीयूज़ नहीं करूँगी, बट अगर किसी के सूट में ऐसे प्रिंट्स है, अभी स्लीव्स में देखो कि आप स्लीव्स में कुछ नहीं बना हुआ, बस सिर्फ ये बने हुए हैं, इस पर डिज़ाइन नहीं बनी, बट यहाँ से यहाँ तक ये डिज़ाइन बनी हुई है। तो मैं एज ए इसको ब्लाउज के जैसे पेयर कर सकती हूँ और इसमें डिज़ाइन देख सकती हूँ, बिल्कुल प्लेन है। और ये बिल्कुल कॉटन है, तो कॉटन आपको चुभेगा भी नहीं, गर्मियों के लिए बहुत ठीक है। तो ये वाला मैं कभी यूज़ करूँ जब मुझे मन करेगा ना मेरा कि नहीं अभी नहीं पहनना मुझे, अब मैं थक गई इसको, तो मैं इसका ज़रूर बनाऊँगी। और उसके अलावा मैं आपको दिखा देती हूँ एक एक करके जो मैंने बनाए हैं। हालाँकि अभी टाइम मिला नहीं मुझे कि मैं टेलर को दूँ उसको स्टिच करूँ, तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, जब अभी लॉकडाउन के चक्कर में टेलर वगैरह कोई नहीं बैठ रहा, तो इसलिए सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ। मैंने कटिंग करके रखे हुए हैं और दो तीन हैं जो मेरे अभी यहाँ पे नहीं है, घर पे हैं, तो मैं आपके साथ वो भी जरूर शेयर करूँगी। तो ये वाली मेरे पास एक कुर्ती थी और इसका ये वाला था प्रिंट, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और साड़ी के अकॉर्डिंग आप या तो इसी कलर की ब्लू साड़ी पहनोगे या ऑफ वाइट कलर की साड़ी पहनोगे तो उसमें बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैंने कटिंग की है इसको, और मैं इसके साइड जिप आती है साइड वाली, तो वो मैं इसको लगवाऊंगी ताकि ये फिटिंग आ जाए अच्छे से। और यहाँ से थोड़ा सा फिटिंग करवाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये मेरे फिटिंग का ही है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसा। और ये बहुत अच्छा लगेगा, चाहे तो स्लीव्स आप इतना रख सकते हो क्योंकि स्लीव्स पे भी इसके वही डिज़ाइन बनी हुई है जो इसके यहाँ पे बनी हुई है, तो चाहे तो आप कट स्लीव्स का ऐसे बना सकते हो चाहे तो ऐसे। तो मुझे तो ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है, बस मुझे इसको थोड़ा सा फिटिंग करवाना है और फिर मैं आपके साथ एक इसका लुक शेयर करूँगी। जितने भी मैंने ब्लाउज बनवाए हैं अगर आप लोग चाहते हो तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसके बाद में है दूसरा, मैं बताती हूँ ये वाला मुझे फिटिंग हो गया था, और इसका देख सकती हो गोटा पत्ती वर्क है ये वाला। तो मेरा मन नहीं कर रहा था इसको फेंकने का या फिर कुछ भी किसी और को भी देने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये नीचे के साइड से ये थोड़ा डल हो गया था यहाँ से, और कहीं प्रेस से भी चिपक गया था नीचे की तरफ से, तो मैंने इसको कट कर लिया फिर। और ये कलर है गाजरी कलर, पीच कलर मान लो चाहिए, कैसा गाजरी कलर है, तो ये बहुत अच्छा है। और आप देख सकते हो ऐसे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा, प्लेन साड़ी लो या इसी कलर की साड़ी होगी तो भी अच्छा लगेगा। और इस पर सबसे अच्छा कौन सी साड़ी अच्छी लगेगी, ग्रीन कलर की, बॉटल ग्रीन कलर की, तो वो बहुत प्यारी लगेगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास ये गोटा पत्ती की ग्रीन कलर की साड़ी है, तो मैं इस पर पैर करके दिखाऊंगी, ये बहुत अच्छा लुक आएगा इसका, बस मुझे साइड में जिप लगवानी है। तो ये है दूसरा, उसके अलावा ये है। तो ये तो मैंने दो बार ही पहना, उसके बाद मुझे फिटिंग हो गया फिर, तो मैंने सोचा अब मैं इसको फेंक तो नहीं सकती, इसको बहुत मन करके बनाया था। और आपको बताती हूँ इसको कैसे बनवाया था, मेरे ब्लाउज पीस थे दो, तो एक इस कलर का था और एक इस कलर का ब्लाउज पीस था, ये ग्रीन कलर का। तो इसमें आप देख सकते हो ये ग्रीन ग्रीन है, ब्लू ऐसा, ये है मल्टी कलर। तो मैंने इसको क्या किया, टेलर को देखे इसका मैंने सूट कुर्ता बनवा लिया था, बट ये दो तीन दिन बाद में मैंने, दो तीन दिन नहीं मतलब एक दो महीने बाद में देखा तो ये मुझे फिटिंग हो गया था, और फिर उसके बाद में मेरा मन नहीं करा इसको पहनने का, बहुत ज़्यादा फिटिंग हो गया था, तो मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया और इसको मैं यहाँ से करवा लूँगी, और यहाँ से मैं इसको ओपन करवाऊँगी, यहाँ से पीछे से मैं इसको कट करवा के पीछे की साइड से, यहाँ देखो यहाँ से कट करवा के, और इसका मैं डोरी लगाऊंगी इसमें, तो ये बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत ही प्यारा लगेगा, किसी पे भी पहन सकते हो इसको, तो क्योंकि कलर इसका ऐसा है, क्योंकि ये रानी कलर है इसके अंदर, इसका बेस कलर है जो। और उसके अलावा ये तो मैंने बनवा रखी है, और मैं सूट दिखाती हूँ आपको जिसका मुझे बनवाना है। अब मैं पहन पहन के थक गई इन सूट को, अब मैं नहीं पहनूंगी, बट इसके ये है कॉटन बिल्कुल। तो कॉटन जैसे कि आप कॉटन साड़ी देख लो, इंडिगो साड़ी है और कॉटन सिल्क कॉटन है ये, मतलब तो आप देख सकते हो इसका प्रिंट कितना अच्छा आ रहा है इस पर, ये मैं दिखाती हूँ पूरा। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें देखा होगा ये सूट पहने हुए मुझे,
तो इस पे ये प्रिंट बना हुआ, तो ये बहुत अच्छा लुक आ रहा है। चाहे तो इसको मैं रख सकती हूँ या दूसरे, वैसे ये ख़राब हो गए तो उसको हटा के मैं रेड कलर के दूसरे लगा लूँगी। और ये देख सकते हो बिल्कुल ऐसे प्रिंट, अभी इसका कलर भी बिल्कुल ठीक है और रेड कलर है इसका, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं इसका भी बनाऊंगी और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, जब कभी बनाऊंगी तो पिक्चर मैं शेयर करूंगी आपके साथ साड़ी वाली। और उसके अलावा ये तो कलर हो गया एक, उसके अलावा एक और है इंडिगो प्रिंट है ये मेरा, तो इंडिगो प्रिंट तो यार बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास साड़ी भी है बट यहाँ नहीं है, तो इसका देख सकते हो ये रानी कलर यहाँ पर है इसके बना हुआ, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगी और फिर मैं पीछे से, बट इसमें पीछे से मैं डिज़ाइन करूँगी थोड़ा सा वी शेप में कर दूँगी मैं इसको पीछे से। टेलर को देखे, मेरे पास अभी यहाँ पे मशीन नहीं है तो मैं इसको वी शेप में कर दूँगी और यहाँ पे फिर मैं टाई बांध के, टाई लगा के इसको, और फिर उस तरीके से गांठ बांध के और वैसा बनाऊँगी मैं इसको। तो ऐसा आप बना सकते हो इसको लेके, जो आपके पुराने कुर्तेज वगैरह हो गए हो उनको तो ऐसा बना सकते हो। उसके अलावा एक और है मेरे पास, बट इसका क्या है, ये सूट बहुत लूज है मेरा और एक दो बार पहना है तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, तो फिर मैंने सोचा इसका अब क्या करूँ। तो वैसे तो ये लॉन्ग है, अगर मन करेगा तो मैं पहन लूँगी, बट अगर सही लगा तो मैं इसका बना लूँगी। तो इसका भी बना सकते हैं, यहाँ पे बटन्स है इसके तो देख सकती हूँ ये, और फुल है स्लीव्स, चाहे तो फुल स्लीव्स का, जैसे सर्दियों में अगर पहनना चाहे तो सर्दियों में पहन सकते हैं। और उसके अलावा जितने भी है पिक्चर्स तो मैं यहाँ लगा दूंगी, तो आप देख सकते हो, आप आइडिया ले सकते हो इसमें से कि आप अपने सूट्स को यहाँ से कट करके और फिर उसको स्टिच वगैरह करवा सकते हो, और ऐसे आपका एक लुक, ब्लाउज लुक रेडी हो जाएगा। इससे ये रहेगा कि आपको मार्केट से जल्दी से जाके खरीदना नहीं पड़ेगा और आप घर के अंदर ही बना सकते हो। जिनके पास मशीन है वो तो ईजिली बना के और घर पे देख सकता है। अभी मेरे पास मशीन नहीं है बट मुझे टेलर को देना पड़ेगा, मैं अपना कोई भी काम होता है वो टेलर को दे देती हूँ और वो करके दे देता है फटाफट, एक दो दिन में लेडीज टेलर है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट में जाके जरूर पूछिएगा, और आप लोग कौन कौन से वीडियोज़ देखना चाहते हो वो भी मुझे बता दीजिएगा, तब ताकि मैं उससे रिलेटेड लेकर वीडियोज़ आऊँ आपके पास। तो फिर मैं आपसे फिर मिलती हूँ नई वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय।